भाई मीनार अभी क्लोज़ है, अभी नमाज़ पढ़ रहे हैं लोग, तो इस वजह से अभी नमाज़ के लिए बंद की हुई है, ठीक है। और अभी शायद 2-3 मिनट में यहाँ पर अभी विंडो खुलने वाली है, उसके बाद हम यहाँ से टिकट लेंगे और उसके बाद सीधा ऊपर जाएंगे भाई। भैया से टिकट ले लेते हैं भाई, 50 रुपीज़ की है। फाइनली हमने मीनार की टिकट ले ली है और आप अभी नीचे देख सकते हैं इतनी भीड़ नहीं है और अब हम सीधा मीनार पर जाने वाले हैं। तो टिकट लेने के बाद जैसा ही आप वहाँ से टिकट लेंगे विंडो से, उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, मतलब नीचे के आप नीचे से इधर जो इसका गेट है राइट साइड वाला, उस राइट साइड वाले गेट पर जाना है आपको और यहाँ पर बंदे हेल्प कर ही देंगे आपके जब आप ऊपर जाएंगे। तो ये टिकट काउंटर है, ये लो करवाओ, कहाँ से बुक करवाओ। ये मैंने भैया को टिकट दे दी है और भैया ने टिकट फाड़ के हाफ मेरे को दे रहे हैं और ये मीनार का गेट खुल चुका है। तो अब हम जाते हैं सीधा ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, ये हम मीनार में ऊपर जा रहे हैं, मतलब अभी मीनार में नहीं है, अभी काफ़ी स्पेस है भाई जाने के लिए। तो मतलब फाइनली आज मैंने इधर को नहीं जाना, इधर को जाना है। तो ये देख सकते हैं भाई, हम पहली स्टेज कवर कर चुके हैं हम, और आप नीचे का नज़ारा देखो कुछ इस तरह का है, और यही नज़ारा आपको ऊपर से मिलने वाला है। जब ऊपर से चढ़ के मैं आपको ये नज़ारा दिखाऊंगा तो भाई मज़ा आने वाला है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत इंजॉय करने वाले हैं आज हम मीनार पर चढ़ के। और आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ ऊपर से ऐसा है अभी हमें। और अगर जो मैं इधर की बात करूँ तो इधर देख सकते हैं भाई, ये पूरी मार्केट है, ये मेन मार्केट जो जामा मस्जिद की, ठीक है। और अब चलते हैं ऊपर, ये आप देख सकते हैं कपड़ा इसलिए लगाया हुआ है ताकि जो गर्म है तो इस पर हम चल सकें, मतलब क्योंकि छत बहुत गर्म रहती है, ठीक है। अभी इन्होंने वहाँ पे तो अभी ताला लगा हुआ है, मतलब आपके लिए मैं इतने पहले आ गया कि मीनार में भी ताला लगा हुआ है, मतलब मीनार प्रॉपर खुली नहीं है। इसलिए मैंने आज जल्दी करी है कि भाई आज मैं सबसे पहले जा कर के कवरेज करूँ, आप लोगों को दिखाऊँ कि मीनार से कैसा दिखता है। अभी सामने ताला लगा हुआ है, ठीक है। और आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ से मैंने जहाँ लाइनें लगी हुई हैं यहाँ से मैंने टिकट लिया था, ठीक है। अभी ताला खुलने वाला है और ऊपर देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है भाई। तो एक भैया ताला खोलने के लिए आए हैं, अभी ताला खुलते ही फिर हम थोड़ा सा और चलेंगे और उसके बाद फिर देखो आप देख सकते हो कितने ऊपर जाने वाले हैं हम भाई, बहुत ऊँचे है वो, सिर्फ इमेज में लग रही है, फ़ोटो में लग रही है ऐसी है, लेकिन वो बहुत ऊँचे है। अभी चल के देखते हैं भाई कितनी देर में ऊपर पहुँचेंगे। ये ताला खुल चुका है और चढ़ते हैं ऊपर। भाई बहुत बड़ी बड़ी पेड़ियां हैं यार, बहुत धीरे धीरे से चलना पड़ता है इनके ऊपर। तो आप कुछ नज़ारा देख सकते हैं भाई, ये है गुम्बज, जामा मस्जिद की जो मीनार है उसकी गुम्बज है। तो भाई जो आधा टिकट उन्होंने मेरे को नीचे से दिया था, ये आधा टिकट था, आधा उन्होंने फाड़ लिया था, तो आधा यहाँ पर एक अब्बा जी मिलेंगे आपको, उनको आधा टिकट देना है, लीजिए लो बैग नीचे रख दे। और बैग नीचे रखने के लिए बोल रहे हैं, मैं बैग रख देता हूँ नीचे, ये टोकन दे दे। और इन्होंने बैग के बदले मेरे को टोकन दिया है मेरे को। तो एक मीनार जामा मस्जिद, इस पर देख सकते हैं मीनार जामा मस्जिद दिल्ली, लगेज नंबर 105। इसका आपको 10 रुपये का चार्ज और देना पड़ेगा अपनी साइड से लगेज का, ठीक है। ये आप देख सकते हैं भाई, ये गुम्बज कितनी बड़ी लग रही है यार, नीचे से कितनी छोटी सी लगती है, लेकिन अभी हम इसके पास खड़े हैं तो देखो भाई कितनी बड़ी लग रही है यार। आज की वीडियो मज़ा आने वाला है भाई, देख सकते हो गुम्बज कितनी बड़ी है। और ये ऊपर चढ़ने का रास्ता, और ये देख सकते हैं भाई कुछ मीनार कुछ इस तरह से दिखने वाली है। और अब हम रख लेते हैं पहला कदम, शायद पहला शख्सियत मैं ही होऊंगा जो उसका गेट खोलूंगा। तो मैंने गेट खोल लिया है, उसके बाद अब चलते हैं धीरे धीरे ऊपर। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 50,
इक्यावन बावन चौवन पचपन छप्पन सत्तावन अट्ठावन उनसठ साठ इकसठ बासठ सठ चौंसठ पैंसठ छियासठ सड़सठ अड़सठ उनहत्तर सत्तर इकहत्तर बहत्तर तिहत्तर चौहत्तर पिछहत्तर छिहत्तर सतहत्तर अठहत्तर उनासी अस्सी इक्यासी बयासी तिरासी चौरासी पचासी छियासी सतासी अठासी अस्सी नब्बे इक्यानवे बानवे तिरानवे चौरानवे पचानवे छियानवे सत्तानवे अट्ठानवे निन्यानवे सौ एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस भाई साहब 120। और भाई ऊपर से नज़ारा देखो यार, कितना अल्टीमेट लग रहा है भाई। थक गया मैं तो, पहले 5 मिनट रेस्ट करूँगा उसके बाद आपको यहाँ के विजुअल्स दिखाऊँगा। गाइस अभी देख सकते हैं यहाँ पूरा खाली है, लेकिन ये अगर हम आपको आधे घंटे के बाद दिखाएंगे तो यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाएगी कि पैर रखने की भी यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी। भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी भीड़ हो चुकी है, भर चुकी है भाई मीनार। छोटे छोटे बच्चे ये देख सकते हैं भाई नीचे, और भी लोग आ रहे हैं ऊपर। भाई यहाँ पे इतना स्पेस नहीं रहा भाई, यहाँ पर लोगों को जाना पड़ेगा। तो गाइज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई इतनी मीनार भर चुकी है ऊपर से कि लोगों को जीने में खड़ा हो के, मतलब जीने में खड़ा होना पड़ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ से देखेंगे और लोग यहाँ पे है ना, कुछ लोगों से हम बात करेंगे भाई यहाँ पर आके उनको कैसा लगा ऊपर जामा मस्जिद में, क्योंकि 120 पेड़ी ऊपर मतलब चढ़ के आनी पड़ती हैं। तो आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर कितनी भीड़ हो चुकी है। भाई कैसा लगा आपको यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लग रहा भाई, यहाँ 122 है भाई। हाँ यस सर, नहीं नहीं मैं कई बार आ चुका हूँ। कैसा लगता है जब आप मतलब एक 120 पेड़ी चढ़ते हो और उसके बाद एकदम अपनी मंजिल पर पहुँच जाते हो? अच्छा लगता है भाई। तो गाइज़ आप नीचे का नज़ारा देख सकते हैं भाई कैसा है, अल्टीमेट है। और कुछ लोग वजू कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करूँगा यहाँ पर। ये देख सकते हो भाई जूम करके कितने करीब आ चुके हैं हमारे। हेलो, तो आप देख सकते हैं भाई कितना अल्टीमेट नज़ारा है। और जब थोड़ा इफ्तारी का समय हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाएगी ना भाई, यहाँ पर इतना अच्छा मतलब एक अच्छा व्यू आता है यहाँ पर, देखने लायक होता है वो और बहुत अल्टीमेट होता है। तो अगर आप जामा मस्जिद में आए तो भाई मीनार मिस मत करना, क्योंकि मैं कितने दिनों से आ रहा था लेकिन मेरे को मीनार में जाने का मौका नहीं मिला था, बिकॉज़ मैं थोड़ा लेट हो जाता था। लेकिन आज थोड़ा सवेरा आ गया तो इस वजह से मुझे मीनार पे आने का मौका मिला। तो आप देख सकते हैं भाई नीचे जो लोग हैं कितने छोटे छोटे से दिख रहे हैं वो। भाई आपने देखा था मैं अकेला आया था, लेकिन यहाँ पर आप देखो कितनी भीड़ हो चुकी है भाई, लोग आ रहे हैं और उनको जीने में रुकना पड़ रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई मीनार। नहीं भाई पहली बार नहीं आया, दूसरी बार, पिछले साल भी आया था वैसे मैं यहाँ पे। बहुत अच्छा लगता है भाई ऊपर आके जब इतनी ऊंचाई देखते हैं सबको, देख सकते हैं भाई कितनी अच्छी। तो गाइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर धीरे धीरे कितनी भीड़ होती जा रही है, और नीछे से कितने मतलब इतने छोटे छोटे से लग रहे हैं। और आप देख सकते हैं बीच में ये वज़ू करने की हौज है, और आप बाकी ऊपर से नज़ारा देख सकते हो भाई कितना अल्टीमेट है। और आप यहाँ सामने देख सकते हैं भाई लाल किला, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ। ये लाल किला है भाई, आप देख सकते हैं भाई जूम करके मैंने आपको दिखाया है। बाकी आप नीचे का नज़ारा देख सकते हैं भाई कितना अल्टीमेट है, और यहाँ पर जाली लगी हुई है। तो आप इधर ये देख सकते हैं भाई गुम्बज, तीनों गुम्बज हैं इधर, ये देख सकते हैं भाई क्या नज़ारा है। सामने भी एक मीनार है बिल्कुल इतनी ऊंची, वहाँ पर जाना अलाउ नहीं है, वहाँ पर रास्ता बंद किया हुआ है। और इधर मतलब एक मीनार खुली हुई है जिसका 50 रुपये का टिकट है, आप आ सकते हो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है आराम से। और यहाँ पर काफ़ी लोग, इतनी भीड़ हो चुकी है यहाँ पर, माय गॉड। जब मैं यहाँ पर आया था तो भाई मैं बहुत अकेला था, लेकिन आप अभी यहाँ पर भीड़ देख सकते हो भाई कितनी हो चुकी है यहाँ पर भीड़।
और मैं यहाँ पर एक दो लोग से बात करने की कोशिश करूँगा भाई। यहाँ से आप देख सकते हैं भाई क्या नज़ारा है, क्या अल्टीमेट नज़ारा है। और जो नीचे लोग देखे हैं आपने भाई, कितने छोटे छोटे से लोग दिख रहे हैं। और अभी देखो आप, स्पेस खाली है काफ़ी, और कुछ ही देर में यहाँ पर आपसे 15 से 20 मिनट में आधे घंटे के बाद स्पेस यहाँ से भर जाएगा, तो बहुत यहाँ पर भीड़ हो जाएगी, बहुत अल्टीमेट नज़ारा होगा यहाँ का। मैं और थोड़ा सा क्लोज़अप लेने की कोशिश करता हूँ। गाइस आप ये देख सकते हैं जामा मस्जिद की मार्केट का नज़ारा, कितनी भीड़ हो रही है और किस तरह से लोग ऊपर एंट्री कर रहे हैं। आप मेन गेट भी देख सकते हैं, और आप ये देख सकते हैं दोनों साइड में, राइट और लेफ्ट की मैं बात करूँ तो दोनों साइड में झालर लगी हुई है, और ट्रैफिक कितना है भाई वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये पूरी आपको दिल्ली नज़र आ रही होगी यहाँ पर चारों तरफ से, और ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दिल्ली यहीं पर ही हो। और बहुत एक अल्टीमेट मज़ा आता है यार जामा मस्जिद, मतलब मीनार पर ऊपर चढ़ के जामा मस्जिद की, एक ऐसा मन करता है कि मतलब ऊपर से नीचे ही ना जाएं बिल्कुल भी। तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई कितनी भीड़ हो रखी है, ये देखिए भाई कितनी भीड़ है भाई यहाँ पर। मीनार इतनी बड़ी नहीं है, मतलब मीनार छोटी ही है, लेकिन आप यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं भाई कितनी है यहाँ पर भीड़। और कुछ लोग हैं जो अभी तक मेरे साथ आए थे, अभी तक गए नहीं नीचे। मैं भी सोच रहा हूँ अभी तक मैं इफ्तारी के बाद ही, मैं जब मतलब इफ्तारी के टाइम तक ही मैं नीचे जाऊँगा, क्योंकि ऊपर से जो नज़ारा होगा इफ्तारी तक वो बहुत अल्टीमेट होने वाला है। आप देख सकते हैं नीचे काफ़ी भीड़ हो चुकी है, और मैं थोड़ा सा अभी और रुकूँगा यहाँ पर, क्योंकि मैं ताकि सिर्फ तुम्हारे लिए क्या, ताकि मैं एक अच्छे विजुअल्स यहाँ पर ले सकूँ, इसलिए मुझे भी थोड़ा और रुकना पड़ेगा यहाँ पर। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ होना शुरू हो गई है धीरे धीरे, और सफ़ें भी बिछने शुरू हो गई हैं। आप देख सकते हैं परे लाइनें लगने शुरू हो गई हैं इफ्तार के लिए, और बीच में आपको ये होज़ नज़र आ रही होगी जिसमें ग्रीन ग्रीन सा पानी आपको दिख रहा होगा। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना अल्टीमेट नज़ारा है भाई ऊपर का। और मेरे आप राइट साइड में देखो जिधर पानी हो रहा है वो है पूरा वज़ू खाना, वहाँ पर भी वज़ू कर सकते हैं। और ये जो बीच में होज़ बनी हुई है भाई, यहाँ पर भी लोग वज़ू करते हैं, तो आप यहाँ पर भी वज़ू कर सकते हैं। बाकी जो ऊपर से जो नज़ारा दिख रहा है, बाकी जो अगर जो मैं पूरी दिल्ली को देखूँ यहाँ से, तो भाई बहुत अल्टीमेट है यार, एक अच्छा विजुअल्स ये आप देख सकते हैं भाई कितनी अल्टीमेट है दिल्ली यहाँ से। और पूरी मार्केट नज़र आ रही है ऊपर से नीचे के लिए, ऊपर से नीचे तक पूरी मार्केट नज़र आ रही है। बाकी ऊपर आकर के इतना अल्टीमेट लगा है भाई, जो हवा चल रही है ना बहुत अच्छी हवा चल रही है यहाँ से पूरी। देखो आप देख सकते हैं बालों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पर ऊपर, मतलब एक अलग ही अल्टीमेट मज़ा है, एक मतलब बहुत अच्छा लग रहा है ऊपर आकर के। और काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं अपने अपने फ़ोटो में मज़ा है, कोई रील्स बना रहा है, कोई विजुअल्स ले रहा है, कुछ ना कुछ मतलब यहाँ पर हर कोई व्यस्त है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस पुरानी दिल्ली कितनी अल्टीमेट लग रही है, जो घर बने हुए हैं बहुत छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ऊँचे खड़े हैं, काफ़ी ऊँचे हम खड़े हैं मीनार पर, और
आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं भाई, पूरे मार्केट में कितनी भीड़ है भाई, बहुत भीड़ नज़र आ रही है। इधर ट्रैफिक भी है और लोग पैदल भी चल रहे हैं और साइड में लोगों ने ठेली भी लगाई हुई हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं लोग आ रहे हैं इसके अंदर। वाओ, अल्टीमेट नज़ारा है भाई, अल्टीमेट नज़ारा है। अगर आप जामा मस्जिद आते हो तो भाई थोड़ा सा आधे घंटा पहले आ जाना, ताकि आपको मीनार खुली मिल जाए, क्योंकि रमज़ान के टाइम में क्या होता है कि मीनार जल्दी ही बंद हो जाती है, इफ्तार से पहले पहले ही, काफ़ी टाइम पहले ही मतलब बंद हो जाती है, तो इस वजह से लोग ऊपर नहीं आ पाते और यहाँ का जो आनंद है, आनंद जो है यहाँ का इन्जॉयमेंट नहीं कर पाते ऊपर आकर के। तो इस वजह से आप मतलब मुझे जब से मैं जामा मस्जिद को कवर कर रहा हूँ, कभी मुझे ही मतलब आज 8 से 9 पता नहीं 10 दिन के बाद मुझे आज मेरे को ऊपर आना मिला। और मैं आपसे हर वीडियो में डिस्कशन भी करता था कि मैं आपको मीनार पर ज़रूर लेके जाऊँगा, लेकिन आज फाइनली मैं मीनार पर पहुँच गया था। तो आप यहाँ के विजुअल्स देख सकते हैं भाई, कितने अल्टीमेट हैं, क्या नज़ारा है भाई यहाँ का। और हवा बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पर, और मैं थोड़ा सा नीचे की ओर दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। तो कुछ नज़ारा ऐसा है, आप देख सकते हैं भाई, और भी भीड़ होने लग रही है धीरे धीरे, और स्पेस जो है वो फुल होने लग रहा है धीरे धीरे, काफ़ी स्पेस यहाँ पर भर चुका है। जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो इतना स्पेस नहीं था, लेकिन अभी आप स्पेस देख सकते हैं कितना भर चुका है। और बाकी हम कुछ लोगों से डिस्कशन करेंगे कि भाई वो मीनार पर आकर के कैसा लगा, तो आप नज़ारा देख सकते हैं ऊपर से कितना अल्टीमेट है भाई।